राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने बुधवार को जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों को ऐतिहासिक धरोहर व संस्कृति से संरक्षण का संदेश दिया गया। बीटीटीएम विभाग के प्रोफेसर संजय धीमान व प्रोफेसर पुनीत के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में करीब 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली कॉलेज चौक, गुरुद्वारा चौक, गांधी मार्केट, चंपा पार्क व चेतना चौक से होते हुए छात्र भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कला दीर्घा हॉल में रखी ऐतिहासिक धरोहर के माध्यम से बिलासपुर के इतिहास के बारे में जानकारी ली। यहां उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर, पांडुलिपियों, कलाकृतियों, वस्त्रों व वाद्य यंत्रों को काफी उत्सुकता से देखा और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। मेरा नाम संजय धीमान है, मैं गुम्मट पर बिलासपुर में पढ़ा रहा हूँ। आज पर्यटन विभाग के बच्चों के द्वारा एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें जो मेन उद्देश्य रहा है वो रहा है कि हम बच्चों को अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ जोड़ें और उसको कंजर्व करने, संरक्षण करने के लिए उनको सिखाना। और बाकी एक और उद्देश्य यह था कि जो ये हमारे यहाँ पर इतना अच्छा एक संग्रहालय बना है, उसमें हमारे कॉलेज ही नहीं बाकी स्कूल के छात्र छात्राएँ भी आके इसको विजिट करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।